नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए 12th के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स और 12th के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स के बारे में लेक्चर लेके आए हैं, एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि 10th के और 12th के सैंपल क्वेश्चन पेपर जो 2022-23 के लिए बोर्ड की तरफ से लॉन्च किए गए हैं, बोर्ड की तरफ से आए गए हैं, बोर्ड की तरफ से अपलोड किए गए हैं अपनी साइट पर, तो उनको हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और क्या प्रोसीजर है। तो ये जैसे मैंने 10th के वेबसाइट खोल रखे हैं जिससे हम SQPS डाउनलोड कर सकते हैं 10th क्लास के लिए, ये हमारे पास 12th क्लास की वेबसाइट है जिससे हम 12th क्लास के लिए SQPS डाउनलोड कर सकते हैं। पर मैं आपको अलग से बताता हूँ कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे पास न्यू टैब पे आप जाएंगे, न्यू टैब पे आपको बस क्या लिखना है, आपको लिखना है cbse.nic.in, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको जाना है। तो एंटर क्लिक करेंगे आपके पास, अब आपको इसके अंदर आपको अकेडमिक वेबसाइट पे जाना है। जैसे आप अकेडमिक वेबसाइट ओपन करेंगे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, इसके अंदर आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर वाला एक टैब दिख रहा होगा, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर आपके पास SQP 2022-23 है, इसके अंदर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं 12th और 10th, तो उन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यही जो लिंक आपके पास वेबसाइट इंटरफेस है ये ओपन हो जाएंगे, ये 10th के लिए है, ये 12th के लिए है, तो ये आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएंगे। अब आप जो भी सब्जेक्ट आपके पास है, फॉर एग्जांपल आपके पास साइंस है तो आप साइंस का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए, ये आपके पास साइंस का क्वेश्चन पेपर आ गया। अब देखिए क्वेश्चंस आपके पास किस तरह के हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपके पास मिल जाएंगे। सबसे पहले तो आपके पास टोटल आपको MCQs मिलेंगे, कुछ 16 MCQs आपके पास मिलेंगे, फिर आपके पास 17 से लेकर 20 तक तीन से चार असेसन रीजन क्वेश्चन मिलेंगे, फिर आपको 21 से लेकर 26 तक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, फिर आपको 27 से लेकर 33 तक यानी 27 से लेकर 33 तक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, 34 से लेकर 36 तक फिर आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, और आखिरी में सेक्शन ई के अंदर आपके पास 37 से लेकर 39 तक केस बेस्ड डाटा बेस क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके अंदर आपको दो से तीन सब टॉपिक्स आपको मिल सब पार्ट्स आपको मिलेंगे जिसके आपको आंसर देने हैं। तो इस तरह से आपके पास जो आपका पेपर है वो 5 सेक्शंस के अंदर आपके पास डिवाइड है, जिसके अंदर आपके पास सबसे पहला सेक्शन आता है MCQ का, सेकेंड सेक्शन आता है आपके पास असेसमेंट रीजन का, थर्ड सेक्शन आता है आपके पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का, फोर्थ सेक्शन आता है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का, और फिफ्थ सेक्शन आता है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का, सॉरी जिसमें फर्स्ट सेक्शन आपके पास आता है MCQs का, सेकंड सेक्शन आपके पास आता है असेसमेंट रीजन का, थर्ड सेक्शन आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, और फोर्थ सेक्शन आपके पास आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का, और फिफ्थ सेक्शन आपके पास आता है केस बेस्ड और डाटा बेस्ड क्वेश्चन का, जिनमें आपके पास आपको आंसर देने हैं। हर क्वेश्चन के नीचे आपके पास 2 या 3 सब पार्ट्स मिलेंगे, उन पार्ट्स का आपको आंसर देने हैं, और इन सभी सेक्शंस के अंदर आपके पास डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे इंटरमिक्स्ड। ये साइंस के लिए था। अब आपके पास लेट सपोज आपके पास होम साइंस भी है, तो आप होम साइंस का सैम्पल पेपर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ये आपके पास होम साइंस का सैम्पल पेपर है। ऐसे आपके पास जो भी सब्जेक्ट है वो आप सैम्पल पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स, SS और साइंस का सैम्पल पेपर सॉल्व करवाऊंगा, पर वो किसी और लेक्चर के अंदर। आज का ये लेक्चर सिर्फ आपके लिए सैम्पल पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे आप कौन सी साइट पे जाके क्या 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 प्रोसीजर है आपके पास सैम्पल पेपर डाउनलोड करने के, वो आज के इस लेक्चर के लिए आपके लिए सिर्फ वही टॉपिक है। ये 12th के लिए आपके पास वेबसाइट ओपन हो गई है, तो 12th में फॉर एग्जांपल आपके पास कॉमर्स है तो आपके पास अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स ये सब सब्जेक्ट हैं। अब मेरे पास 12th में आर्ट्स थे, तो आर्ट्स में मेरे पास हिस्ट्री है, तो SQP हम हिस्ट्री का SQP डाउनलोड करते हैं। तो ये कुछ हमारे पास हिस्ट्री का SQP ऐसा दिखता है, जिसके अंदर हमारे पास देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास है, आपके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है और फिर आपको नाम बताना है कि किस बंदे की कैरेक्टरिस्टिक, मैच द फॉलोइंग दे रखी है, पिक्चर बेस दे रखे हैं आपके पास, कुछ MCQ टाइप्स दे रखे हैं आपके पास, और आपको तीन बहुत आपके पास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए भी क्वेश्चन है, असेसमेंट रीजन भी आपको दे रखे हैं, एनालॉजी के क्वेश्चंस भी आपको दे रखे हैं।
तो आपके पास टोटल 21 एमसीक्यू क्वेश्चंस है। फिर सेक्शन भी आता है जिसके अंदर आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको 3 नंबर के 6 क्वेश्चन मिलेंगे। फिर आपके पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको 8 नंबर के 3 क्वेश्चन मिलेंगे। और आखिरी में आपके पास सेक्शन डी आता है जिसमें आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, 3 मिलेंगे आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, तीनों सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपके पास 4 4 नंबर के होंगे। और आखिरी में इन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के बाद आपके पास एक मैप का सेक्शन आता है, सेक्शन ई, जिसमें आपको मिलेंगे 1 क्वेश्चन जो कि 5 नंबर का होगा। ये आपके पास है हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा इन सभी क्वेश्चन पेपर के लिए, आर्ट्स के अलग से बनाऊंगा, अकाउंटेंसी और कॉमर्स के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जब तक अरेंज नहीं होता तब तक आर्ट्स ही आपको इस चैनल में पढ़ाई जाएगी। तो वैसे पॉल साइंस के लिए आपके पास अलग से चैनल ग्लोबल सेल है, उसमें जाके आप पढ़ सकते हो। वो हमारी ही एक सब्सिडरी चैनल है जिसमें हम पॉल साइंस के सिर्फ लेक्चर डालते हैं, सारे पोल साइंस के लेक्चर आपके पास आपको उधर जाएंगे। फिर आपके पास एक मैथमेटिक्स चैनल है जिसके अंदर हम मैथमेटिक्स के लेक्चर डालते हैं, इसी हमारे एडिशनल जो मेन चैनल है इसका सब्सिडरी चैनल है वो भी। तो आप जाके दोनों चैनल्स को चेकआउट कीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियो देखनी है तो आप टेक्सल पर जा सकते हैं, वो भी हमारा सब्सिडरी चैनल है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। तो चलिए आज कि इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं और अब इस वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम आपके लिए एक सैम्पल पेपर का एक डिस्क्रिप्शन लेके आएंगे, सैम्पल पेपर सॉल्व भी करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए टिसल को, और जो 3 4 चैनल मैंने बताया ग्लोबल सेल, टैक्सल और मैथमेटिक्स सेल, उनको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पोल साइंस, मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी में से किसी में भी रुचि है तो इन चैनल को सब्सक्राइब करें। और एडिसल को तो आप जरूर से जरूर करें, क्योंकि तो मेन चैनल, सारी अपडेट्स आपके पास इसी चैनल पर आएगी। तो बने रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड।